हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लाइफ इज सौम्या और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र स्पेशल मिक्स वेज सब्जी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है आधा कप नारियल, ये फ्रेश कोकोनट है, इसे कद्दूकस करके लिया है। और इसमें मैंने डाला है काजू 7 से 8 और अदरक छोटे पीस, लहसुन की कर लिया 7 से 8 और लौंग है 4 से 5 और दालचीनी 2 छोटे छोटे पीसेस, इलायची 1 और काली मिर्च आधा चम्मच और सफ़ेद तिल लिया है 1 चम्मच। और इसमें जितना चाहिए उतना पानी डालेंगे और इसका महीन पेस्ट बना लेंगे। और मैंने लिया है कुछ सब्जियाँ, मैंने गाजर, कैप्सिकम और प्याज लिया है, सारे एक एक लिए बड़े साइज के। और लिया है पनीर 250 ग्राम, पनीर को भी इस तरह काट लिया है। आप इसके साथ गोभी आलू भी ले सकते हैं। और लिया है आधा कप उबला हुआ मटर। अब ये कढ़ाई में मैंने डाला है आधा कप तेल, तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके सारी सब्जियाँ फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे, थोड़ा सा क्रंची होने तक फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गया है, अब इसे अलग निकाल लेते हैं। अभी कैप्सिकम फ्राई करेंगे, इसे भी हाई फ्लेम में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसी तरह सारे सब्जियां फ्राई कर लेते हैं। अभी पनीर का भी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, इसे भी निकाल लेंगे। अभी जितना चाहिए उतना तेल रखेंगे, बाकी का तेल अलग निकाल लेते हैं। इसी तेल में मैंने डाला है जीरा आधा चम्मच और 1 प्याज को पीस के डाला है। अभी प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अब जितना अच्छे से फ्राई करेंगे उतना अच्छा ग्रेवी बनेगा। ठीक है, अच्छे से ब्राउन हो गया पूरा, इस तरह टेक्सचर आने तक हमें फ्राई करना है। अभी इसमें हम डालेंगे टमाटर, 2 टमाटर को पीस के डाला है। टमाटर को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। एक बार अच्छे से मिलाने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अभी बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ड्राई होने लगा है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1-2 चम्मच डालेंगे पानी, फिर से फ्राई करेंगे। टमाटर में से तेल अलग निकलने तक हमें इसे फ्राई करना है। अभी अच्छे से भून गया है, इसमें अब डालेंगे पिसा हुआ मसाला, मसाले को भी अच्छे से मिलाते हुए फ्राई करेंगे। अब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगा है, इसमें भी थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर से इसे फ्राई करेंगे।
ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें से भी थोड़ा तेल निकल रहा है, देखिए सेपरेट हो रहा है तेल। अब इसमें हम डालेंगे पानी, पानी आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। थोड़ा ये गाढ़ा ही बनता है, ये पकने के बाद और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। एक बार नमक चेक कर लीजिएगा। एक बार उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे मटर, बॉईल किया हुआ मटर है ये आधा कप, और फ्राई किया हुआ सब्जियाँ। एक बार मिलाकर इसे ढककर फिर से पकाएंगे। पकने के बाद और ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे ढककर लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए 7 मिनट के बाद इस तरह पका है। अभी इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। अभी हमारा मिक्स वेज कोरमा बनके तैयार है। अभी गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। महाराष्ट्र स्पेशल मिक्स वेज कोरमा तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।